अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लह व मन युज्लिलहु फला हादिया लह व नश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नश्हदु अन्न मुहम्मदन इब्न अब्दिल्लाह العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ایک اکیلے اللہ کی تعریف بیان ہو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے رب کو اس کی کبھی کوئی ضرورت نہیں, اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس کی تعریف کہا قدر نہیں کر سکیں گے, इस इकरार के साथ कि कायनात के सारे ख़जानों का वह एक अकेला मालिक और ओनर है, इस एतराफ़ के साथ कि वह अपने ख़जानों में से जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे फिर भी उसके ख़जानों में कुछ कमी ना आए, इस यकीन के साथ कि हर एक को उसके सामने हाजिर होकर अपने कर्मों का हिसाब देना है, इस एहसास के साथ कि वो हमें देख रहा है चाहे हम उजाले में रहें या अंधेरे में, मजमे में रहें या अकेले में, इस एहसास के साथ कि वो हमें सुन भी रहा है चाहे हम ज़ोर से बोले या धीरे से, इस एहसास के साथ कि हम उसे धोखा नहीं दे सकते, हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते, उसके सामने हेरा फेरी नहीं कर सकते, उसके सामने झूठी गवाहियाँ नहीं पेश कर सकते, इस एहसास के साथ कि उसके इल्म और इजाज़त के बगैर दरख्त का कोई पत्ता टहनी से जुदा ना हो सके, बारिश की कोई बूंद बरस ना सके, इस एहसास के साथ कि हमारी कोई भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हमारे जज्बात हमारे इंटेंशंस हमारे ख्यालात भी उससे छुपे नहीं, इस एहसास के साथ कि हमारा रब हमारी गलतियों और गुनाहों के बावजूद इतनी बेईमानियों के बाद भी बहुत मेहरबान और इंतहाई रहम करने वाला है, हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार, शर्त यह है कि हम तौबा करके उसकी तरफ पलटें, हम सिर्फ़ सिर्फ उसी से दुआ करें और दुआ मांगते वक्त हमें ये एहसास भी रहे कि हम उससे दुआ कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा, क्यों जाएं हम किसी और के दर पर जबकि हर सवाली और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को वही पूरी करता है, कि हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं जबकि वही हर एक का दस्तगीर है, मुसीबत और परेशानी में क्यों हम सिर्फ उसी को ना पुकारें जो हर एक का मुश्किल कुशा है, इस एहसास के साथ हम उसके आगे अपने आप को सबमिट कर दें कि वो बहुत मेहरबान है लेकिन मोहब्बत और रहम में दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करता, बेशक वो अलगफ़ुरुल वदूद तो है ही साथ ही वो अजीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर और अहकमुल हाकिमीन भी है, इस एहसास के साथ फरमाबरदारी करें अपने रब की कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा भी उसकी तस्बीह कर रहा है, आज भी कर रहा है और कल भी करेगा, वह हम लायस अमून और उसमें कोई कोताही नहीं करता, इस एहसास को अपने आप पर गालिब करें कि वो अपने फ़ैसले और हुक्म को लागू करने में टोटली पावरफुल, इस एहसास के साथ कि उसका हर फैसला हिकमत और विजडम से भरपूर हुआ करता है, इस एहसास के साथ कि उसके फ़ैसलों और कामों में कभी कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं, इस यकीन के साथ उसकी आखिरी किताब की तरफ पलटें कि उसने हिदायत का मुकम्मल पैकेज अपने आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दिया, आयातिम बयनात की शक्ल में हिदायत को वाज़े तौर पर उसने अपनी किताब में बयान फरमा दिया, इसमें कोई हिडन माना नहीं है, जो भी अहकाम हैं वो बिल्कुल वाज़े स्पष्ट और वेरी क्लियर हैं, लिहाजा बगैर किसी इफ़ एंड बट के लारेब की कैफियत के साथ अपने रब की किताब को हम पढ़ें, एक ऐसी किताब जिसका बुनियादी मकसद हिदायत का रास्ता बताकर इंसानियत को गुमराही के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में लाना है, जिसमें खबरें हैं हमसे पहले की और बाद में पेश आने वाले हालात की भी, ज़रूरत है इस किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करने की, उसमें वाए वाकियात से अपने लिए इबरत हासिल करने की,
जैसे ही हम कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही हमें मिलता है कि बनी इसराइल को उनके अजीम माजी के हवाले से खिताब किया गया और ये याद दहानी कराई गई कि अल्लाह के इनामात और एहसानात को याद करो जिनकी बदौलत बनी इसराइल इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। ये सारी चीज़ें बनी इसराइल की खामियां गिनाने के लिए नहीं बयान हुई बल्कि कुरान करीम के हर कारी के लिए इसमें भरपूर हिदायत मौजूद हैं कि जिन हरकतों की वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल को दुनिया के इमाम होने के बावजूद उन्हें माजूल और हटा दिया, अगर हमारी भी यही रविश रही तो हमें भी इन्हीं नतायज का सामना करना पड़ेगा और अगर हमने वो काम नहीं किए जिनका हमें हुक्म दिया गया तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वहीं ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, और अगर तुम पलट गए अपनी बात से फिर गए तो अल्लाह तुमको हटाकर ऐसे लोगों को तुम्हारी जगह लाएगा जो तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हमारी भी ट्रेजेडी देखिए कि अल्लाह की किताब ओरिजिनल शक्ल में मौजूद होते हुए भी हम भी उन्हीं हरकतों में पड़ गए जिनमें पढ़कर दूसरी कौमें हलाक व बर्बाद हुई। इसीलिए हमारे रब ने हमारे बारे में फरमाया वखुस्तुम कल्लजी खाजो, तुम भी उसी बहस उसी रोग में पड़े जिसमें पढ़कर दूसरी कौमें हलाक व बर्बाद हुई। बनी इसराइल को फजीलत रब ताला ने दी कि उनमें हजरत दाऊद हजरत सुलेमान और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी और बादशाह पैदा फरमाए, जिनमें कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और तौरात जैसी मार्वलस किताब उन्हें अता की गई, जिनमें आखिर में हजरत रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और इंजील जैसी नायाब किताब उन्हें अता की गई। लेकिन जब बनी इसराइल ने अल किताब से अपने रिश्ते को कमज़ोर किया और कौमी और सियासी चीज़ों में पड़ गए तो उन्हें उसी मुल्क में जहाँ दौरे यूसुफी में उनकी हुकूमत कायम हुई थी फिरौन नामी ख़ानदान का उन्हें महकूम बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया। कल के मिस्री सुल्तान आज के गुलाम बना दिए गए। मेंबर व महराब में तौहीद का दर्स देने वाले जब बिगड़ते हैं तो इसी तरह के अजाब संसार के बनाने वाले की तरफ से उन पर मुसल्लत होते हैं। बहरहाल अपनी आखिरी किताब के शुरू में ही बनी इसराइल को खिताब करके कहा या बनी इसराइल अस्कुरु नियमती अल्लती अनमतु अलैकुम व औफु बिअहदी उफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, ऐ बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को रिकलेक्ट करो, उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और जो अहद तुमने मुझसे किया है उसे पूरा करो तो मैं भी तुमसे किए हुए वादे तुम पर पूरे करूँगा और मेरे सामने खड़े रहने के एहसास से हमेशा लरसते हुए ज़िंदगी गुजारो। वो अहद जो एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर करता है उस अहद को पूरा करना होगा चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। अगर इंसान अपने रब से किए वादे को पूरा करेगा तो रब के इनाम का वादा भी उसके साथ पूरा होगा और अगर वादा खिलाफी इंसान करेगा तो रब के सजा का वादा भी उस पर पूरा होगा। यहाँ बनी इसराइल को भी उनका अहद याद दिलाया जा रहा है और उसे पूरा करने की तालीम भी दी जा रही है। वो अहद जो हर अहले किताब से लिया जाता है कि वह ज़खद अल्लाह मीसा कल्लजीन ऊतुल किताब लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु, और जब अल्लाह ने मीसाक लिया उन लोगों से जिन्हें अल किताब दी गई कि तुम इस किताब को इंसानों के सामने बयान कर देना और इसमें से कुछ भी छुपाना नहीं। हम भी अहले किताब हैं, हमसे भी ये अहद लिया गया है। लेकिन आज हम खुद पर गौर करें कि दूसरों को बयान करना तो दूर, हम खुद ही कुरान को पढ़ना नहीं चाहते। हमें यह भी नहीं मालूम कि अल्लाह की आयतें क्या कहती है और ना ही हमें इतनी ज़रूरत महसूस होती है कि हम उसको मालूम कर सकें। हमारे बड़ों के बयान तो हमें पता होते हैं लेकिन सबसे बड़े मालिक के बयान की हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं। आगे बनी इसराइल को खिताब करके कहा जा रहा है وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, और ईमान ला उस पर जो मैंने नाजिल किया जो तुम्हारे पास के कलाम की तस्दीक करता है और तुम इसके इनकार में आगे आगे मत रहो और मेरी आयतों का दुनिया की हकीर कीमत पर सौदा ना करो और मुझे जवाब देने के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारते रहो। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी किताब का वारिस बनाया उन्हें किताब के साथ ईमानदार रहने की ताकीद की जा रही है।
दुनिया के किसी भी आसमानी किताब की थीम यही रही कि एक खालिक बाकी सब मखलूक, एक मालिक बाकी सब गुलाम, एक दाता बाकी सब फकीर मोहताज और ज़रूरतमंद। लिहाजा अल्लाह की किताब की आयतों को पढ़ने के बाद नाफरमानी करने से खुद को हमें बचाने की फिक्र करने होगी और दुनिया की किसी भी कीमत पर अल्लाह की आयतों का सौदा हमें नहीं करना होगा। यहाँ हम ये सोचते हैं कि ये काम तो हम नहीं करते, लेकिन किसी प्रॉब्लम में जब अल किताब की आयतें हमारे फेवर में नहीं जाती तो हमारा स्टैंड क्या होता है? क्या हम अपनी नाक और इज्जत बचाने का सौदा अल्लाह की किताब के साथ तो नहीं करते? क्या किताब की आयतों पर लेकिन मगर जैसे सवाल खड़े करके उसके ग्रेड को कम तो नहीं करते? वला तलबिसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, और हक को बातिल के साथ मिलाने का जुर्म मत करो और जानते बूझते हक को मत छुपाओ। जिनको अल्लाह ने किताब दी उन्हें यह भी कहा कि हक में बातिल की मिलावट कभी नहीं करना, सच में झूठ की मिलावट कभी नहीं करना, क्योंकि सच में कुछ भी मिला है तो वो सच नहीं रह पाएगा, और ना ही बातिल और झूठ को हक और सच्चाई का लिबास चढ़ाने की कोशिश करना। ऐसा करके हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह से हम कुछ छुपा सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो हक को छुपाने के गुनाह में हम मुलविस होंगे, और ये इतना भयानक गुनाह है कि आम गुनाह में तो तौबा और इस्लाह से काम बन जाएगा, लेकिन इसमें तौबा और इस्लाह के साथ एक और काम भी करना पड़ेगा जिसके बारे में हमारे रब ने फरमाया इल्ला लजीन ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह की किताब को छुपाने के जुर्म में अल्लाह की लानत से बचने का एक ही इलाज है कि तौबा करना होगा, अपना सुधार करना होगा, और जो कुछ छुपाया था उसे बयान भी करना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो ही अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा। वाकिमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मार राकीन, और अब्दियत के एहसास के साथ इबादत के सिस्टम को कायम रखो और तस्किए वाले काम करते रहो और हम्बल लोगों के साथ खुद भी नर्म और हम्बल बनकर रहो। आज हमारी इबादतें जो कि रिचुअल्स और रस्म बनकर रह गई हैं वो तो हमारे दरमियान बहुत ज़ोर शोर से हो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अज़ाउस सलात वाला मामला हमारा हो गया है। हमारे रब ने फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक इबादतें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं। हम खुद सोचें कि क्या हमारी इबादतें हमें बेहयाई और मुनकरात से रोक रही हैं? आज अपनी इबादतों पर हमें एक किस्म का फख्र और प्राइड आ गया है, नरमी और मेहरबानी की हमें कमी होती जा रही है। हम रुकू करने वालों के साथ रुकू तो करना चाहते हैं, लेकिन नरमी और मेहरबानी करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि नरमी और मेहरबानी करने वालों को हम कायर, बुजदिल, बेवकूफ़ और पागल समझते हैं, और थोड़ी बहुत इबादत करके हमारी सोच ये बन गई है कि सयुक फरुलाना, हमारी तो मगफरत होनी ही है, गोया नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह भी मजबूर है हमें माफ़ करने के लिए। अतामरून अन्नास बिल बिर वतनसौन अनफसकुम वअंतुम ततलून अलकिताब अफला ताकिलून, तुम अलकिताब की तिलावत करते हुए लोगों को तो नेकी और अच्छी बातों के लिए प्रेरित करते हो, लेकिन खुद नेकी और अच्छे काम करना नहीं चाहते। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम अपनी अकल से काम क्यों नहीं लेते? नबियों और रसूलों ने इंसानों को जिस चीज़ की भी तरफ बुलाया उस पर पहले उन्होंने खुद अमल किया, बाद में दूसरों को दावत दी। आज हम भी सोचें कि अल्लाह ने किताब से हमें नवाजा, उसकी थोड़ी बहुत समझ और फहम हमें अता किया, हमें इस लायक बनाया कि हम किताब अल्लाह की रोशनी में लोगों के सामने बात कर सकें। आज लोग हमें किताब अल्लाह की वजह से पहचानने लगे हैं। बेशक ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है, इसमें हम में से किसी की कोई फजीलत नहीं, लेकिन नेमत मिलने के बाद रब ताला ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अब इतनी बड़ी नेमत मिलने के बाद हम अहसन अमल करते हैं या नहीं, ये हमारा टेस्ट है। क्या हम लोगों को ज्ञान की बातें तो बताते हैं, लेकिन अपनी बारी आने पर बहाने और एक्सक्यूजेस तो नहीं देते? हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को अपने कौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, वरना लिमतकुलून माला तफलून के रोग में कहीं हम भी गिरफ्तार ना हो जाएं।
याद रखें, हम में से कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि उससे कोई गलती हो ही ना, लेकिन अपनी गलतियों को हम कम तो कर ही सकते हैं। और जो हम बोलते हैं उसके मुताबिक अमल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए भी बड़े हिम्मत, हौसले और बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है। हमारे रब ने फरमाए, वस्तईन बिस्सब्र वस्सलाह वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकु रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और ताकत और स्ट्रेंथ हासिल करो सब्र और इबादत के ज़रिए, और बेशक ये काम उन लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं जो अपने रब से लरसते रहते हैं और इन्हें ये यकीन होता है कि उनकी मुलाकात उनके रब से होनी ही है जब वो उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। बेशक कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग हमें बेवकूफ़ और बुजदिल कह कर सकते हैं। कई बार किताब अल्लाह की आयतों पर अमल करने की सूरत में हमें अपने जायज़ हुकूक़ से भी हिजरत करनी पड़ सकती है, और अगर हमें अल्लाह का खौफ है तो ऐसा करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये यकीन होगा कि एक दिन अपने रब से मुलाकात होनी है, वहाँ हमें हमारी एक एक चीज़ का हिसाब मिलकर रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें इतनी ताकत दे कि हम बोलने के साथ साथ अमल करने वाले भी बने। हमारी भूल चूक और गलतियों को अल्लाह माफ़ करे, और आइंदा भी हम खुद को गलतियों और गुनाहों से बचाने की फ़िक्र करें। इस दुनिया की बेइज्जती और आखरत की रुसवाई से अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमारी दुनिया व आखरत को अमन सुकून वाली बना दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआन अलअज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फ़स्तग़फिरूह इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबियिल उम्मियिल्लज़ी जाअ बिल हुदा वल फुरकान, وصلي على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انك انت السميع المستجيب الدعوات ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون।